बलियासरा क्षेत्र के मुडेरा गेहूं क्रय केंद्र पर तहसीलदार प्रभात कुमार सिंह के आश्वासन के 2 दिन बीत जाने के बावजूद गेहूं की खरीदारी शुरू नहीं हुई तो किसानों का आक्रोश भड़क उठा और सैकड़ों की संख्या में किसानों ने रसड़ा तिहारीपुर मार्ग पर स्थित मुडेरा गेहूं क्रय केंद्र का चक्का जाम शुरू कर दिया। 3.5 घंटे तक चक्का जाम के चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों का लंबी कतारें लग गई। चक्का जाम की सूचना के बावजूद 2 घंटे बाद पुलिस प्रशासन संघ नायब तहसीलदार शैलेंद्र सिंह किसानों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, किंतु आक्रोशित किसान गेहूं क्रय शुरू किए जाने की मांग पर अड़े रहे। एक तरफ किसानों का आक्रोश तो दूसरी ओर जाम में फंसे लोगों की परेशानी से प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। समाजवादी पार्टी नेता मानसिंह सेंगर सहित किसान सर्वेश सिंह, अंकित सिंह, विनोद यादव, संदीप वर्मा, मुकेश वर्मा, धनंजय आदि के नेतृत्व में शुरू किए गए इस चक्का जाम के समर्थन में सैकड़ों किसान एकत्रित हो गए। गौरतलब है कि 17 जून को किसानों ने गेहूं क्रय शुरू किए जाने की मांग को लेकर मुडेरा क्रय केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें तहसीलदार रसड़ा प्रभात कुमार सिंह द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि गेहूं क्रय किया जाएगा, किंतु 2 दिन बीत जाने पर खरीदारी शुरू नहीं हुई तो किसान भड़क उठे। बलिया से रिपोर्टर अखिलेश सैनी की रिपोर्ट। अपना एक पर्चे बताइए। हमारा नाम जीत बंधन यादव है, खिरौली गांव सभा के किसान है, क्रय केंद्र मुडेरा है। यहां पर आज सैकड़ों की संख्या में आप आज धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? हम लोगों का तौल नहीं हो रहा है, अभी 22 तक डेट है और उसके बाद जो क्रय केंद्र अधिकारी है वो बंद करके 2 दिन पहले चले गए, कोई सूचना नहीं लगाए कि नहीं हम बंद करते हैं। यही हम लोगों का मांग है कि तत्काल तौल कराया जाए। दो दिन पहले आप लोग इसी फिर धरने पर बैठे थे, तहसीलदार साहब आए थे, आश्वासन दिए थे, उस आश्वासन में क्या हुआ? वो फेल मार गए हैं। वो कुछ कहे क्या थे? वो कुछ कहे थे कि हम तौल कराएंगे, आज उनका पता ही नहीं है। कितना दिन हो गया कहे हुए उनको? उनके अनुसार परसों कहे थे। कल जो है हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे बलिया में, इसीलिए हम लोग धरना नहीं दिए कि भाई बाधा पड़ेगा, आज इसीलिए हम लोग धरने पर हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग है कि तौल हो जाए, जो नंबर लगा है टोकन नंबर लगा है उन लोगों का सबका तौल हो जाए। कितने लोग होंगे? अब मुश्किल 35 लोग हैं, 35 किसान हैं जो साथियों से खुद लिस्ट बनाकर वो क्रय केंद्र पर लिस्ट चस्पा किए हैं और सबके मोबाइल में भी वो टोकन दिए हैं। उनका अब तक हुआ नहीं है, मोबाइल में फोटो। एक पर्चे बता दे। मेरा नाम मान सिंह सेंगर है, मैं किसान का बेटा हूँ और धरने पे बैठा हूँ किसानों के साथ। आखिर क्यों आज धरने पे आप सैकड़ों को लोगों को लेकर संख्या में बैठे हैं धरने पे, क्या कारण है? ये मुडेरा क्रय केंद्र है, यहाँ पे क्रय बंद हो गया, उसके बाद यहाँ के किसानों ने परसों प्रशासन से मांग की, धरने पे बैठे, प्रशासन आया और आके प्रशासन ने कमिटमेंट किया कि आज शाम से या कल सुबह से यहाँ पे क्रय शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद जो है न परसों शाम से शुरू हुआ न कल सुबह में शुरू हुआ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी आए थे उनके सम्मान में, क्योंकि वो बलिया में आए हुए हैं, ठीक है, कहीं जो है कोई बाधा ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। किसानों ने अपने धैर्य का परिचय दिया और कल इन्होंने कुछ नहीं किया। कल के कमिटमेंट के हिसाब से कल यहाँ पे बिक्री और क्रय शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्रय शुरू नहीं हुआ। मैं लगातार सुबह से SDM रसड़ा, DM बलिया से मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग जो है ये बार बार ये बता रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, उसी संबंध में बात हो रही है, थोड़ी देर में बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है समाधान निकल के सामने नहीं आया। आखिर ये किसान कहाँ जाएंगे? ये किसान वो हैं जो अपनी उसी अपने गेहूं के बिक्री पर ही इनका पूरा जो है जीवन जो है निर्भर करता है। उसी गेहूँ से अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, उसी गेहूँ से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसी गेहूँ के बिक्री से इनका भविष्य निर्भर करता है। कहाँ जाएंगे ये? कितने लोग होंगे कम से कम संख्या में? यहाँ पे परसों जो टालियाँ खड़ी थी 25 टालियों का जो है लिस्ट था, लगातार जो है यहाँ पे चूंकि जब कमिटमेंट हो गया कि नहीं यहाँ पे क्रय शुरू होगा तो पूरे क्षेत्र में ये बात फैल गई। रसड़ा SDM ने आकर के खुद ये बात कही। SDM जब कमिटमेंट करेगा, SDM कोई वादा करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है जो है कि लोग उसको विश्वास करेंगे। कब तक आप लोग धरने पे बैठे रहेंगे? ये बिक्री, ये क्रय हमारा, ये इस गेहूं के खरीद का रास्ता जब तक नहीं बनेगा तब तक तो हम जो है ऑब्वियसली सी बात है धरने बैठेंगे। अगर हमें जो है लगेगा कि नहीं जो है आप नहीं मान रहे तो फिर हमें जो है अनशन पे बैठना पड़ेगा, उसका रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं किसानों के साथ हूँ।